हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्णिमा और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी जिसमें है ढेर सारी सब्जियां। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं ये हेल्दी और विटामिन मिनरल्स से भरपूर रेसिपी। इसके लिए लिया है हमने फूलगोभी, ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स, मटर और आलू। सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और मीडियम आकार में काट लिया है। इसी के साथ हमें चाहिए 2-3 हरी मिर्चें, 1 मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मीडियम टमाटर बारीक कटा हुआ। आइए अब बनाते हैं। एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, करीब 2 टेबलस्पून तेल लिया है हमने, यहाँ मूंगफली का तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा। जब जीरा तड़तड़ाने लगे तो इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 1 मीडियम प्याज को बारीक काट लिया था। गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर ही रखनी है, तो करीब 1 से 1.5 मिनट तक हमें प्याज को अच्छे से भूनना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो करीब 2 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे भी करीब 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे अच्छे से। जब प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए तो फिर इसमें डाल देंगे सब्जियां। तो ये हमने इसमें डाल दिया फूल गोभी। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मीडियम साइज में कटे हुए आलू, इसी के साथ डाल देंगे ताजी मटर, फ्रेंच बीन्स और अब डाल देंगे इसमें हम ब्रोकली। तो ये जो सारी सब्जियां है ये 250 ग्राम थी, तो इसमें से हमने 100 ग्राम लिया है, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसलिए 100 ग्राम की ही हम बनाएंगे। टोटल 500 ग्राम हो जाएगी सब्जी। गैस की फ्लेम हमें लो या मीडियम ही रखनी है, तेज आंच पे हमें नहीं पकाना है। अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसे ढककर हम पका लेंगे करीब 5 मिनट। 5 मिनट बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब वक्त है इसमें मसाले मिलाने का। तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। इन सब मसालों के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो ये हमने बारीक कटा हुआ टमाटर मिला दिया। अब इन सब को हमें अच्छे से मिलाना है, सारे मसाले हर एक सब्जी को लग जाना चाहिए, तो इसे बहुत अच्छे से हम मिलाएंगे। इन सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिला लिया है, मसाले हर एक सब्जी को लग गए हैं। अब हम इसे ढककर पका लेंगे करीब 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसे एक बार अच्छे से उलट पलट कर लेंगे और फिर से हम इसे ढक देंगे और करीब 2 या 3 मिनट इसे और पका लेंगे। आपको लगे कि सब्जी थोड़ी कच्ची है तो इसे और थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये देखिए, 2-3 मिनट बाद अब हम चेक कर लेंगे कि सब्जी अच्छे से पकी है या नहीं। तो ये लगभग सब्जी पक गई है। एक आलू भी हम चेक कर लेंगे वो पका या नहीं। यस, ये बहुत अच्छे से पक गया है, इसका मतलब सारी सब्जी हमारी बनके तैयार है। अब इसमें डाल देंगे बढ़िया ताजा हरा धनिया, इसे मिक्स कर लेंगे और लीजिए टेस्टी हेल्दी और न्यूट्रिशियस मिक्स वेज तैयार है। इसे रोटी,
चपाती या राइस के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।